नमस्कार। नमस्कार। कहीं जा रहे हैं क्या? कौन, मैं? नहीं, कोई आ रहा है। चेतन सब कुछ करता है, सारा घर अकेला ही चला। हाँ चेतन जी, कोई फोन आया? हाँ बड़े साहब का। क्या बोले? बोले इंजीनियर साहब के आते ही कहना फोन करे। एक्सक्यूज मी, तुम ऊपर चलो, मैं आ गया। चेतन जी, पहले वाले बेडरूम। सामान रख दिया उस कमरे में। ओ अच्छा, क्या लाऊं आपके लिए, चाय या कॉफी? चाय ही बना लो। अच्छा। बहुत संभाल कर रखते हो तुम तो। फिर भी ये कमरा बंद पड़ा रहता है। क्यों? साहब पहले रहते थे, पर अब साहब मुन्ना बाबू के कमरे में रहते हैं। आप बैठिए। चेतन, कॉफी बना रहे हो? नहीं, वो चाय के लिए बोलिए। ठीक है, चाय ही बना। तुम्ही को बुलाने आ रहा था। आप दिखाओ। आदत अभी भी बदली नहीं। कैसे? चाय की, कॉफी नहीं। और तुम? वही कॉफी, ब्लैक। नहीं नहीं, आज हम भी चाय पियेंगे। चेतन मेरे लिए भी चाय ही बना रहा है, एटलीस्ट आई होप सो। चेतन, कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत। पर सभी कंपनी का है। अच्छा ही हुआ कि आ गई, देख तो सकी। हाँ, लड़के की है वो तो। कहीं और है ना? हाँ, हजारीबाग हॉस्टल में। अच्छा, एक बात सच सच बताओगे? मेरा टेलीग्राम मिला
तो पहचाना किसका है। कैसी बात करते हो? बिल्कुल नहीं पहचाना होगा, इतने साल बाद यूं अचानक। कितने साल हुए होंगे? 10 ही ना। बहुत याद कर रखा है। नहीं, तुम्हारा टेलीग्राम मिलने पर बैठकर हिसाब लगा रहा था। मालूम है तुम्हारा टेलीग्राम कब मिला? कब? ट्रेन आने के बस 2 घंटे पहले ऑफिस। लेकिन मिल तो गया ना, मैंने तो सोचा था मिलेगा ही नहीं, और मिल भी गया तो पहचान नहीं पाओगे। लगता है तुम्हें मेरी मेमोरी पर कुछ खास भरोसा नहीं। नहीं, पर आदमी बहुत कुछ जोर लगाकर भी बोलना चाहता है ना। हाँ, सोचता तो है पर पता है। तुम्हारा वो बेडरूम देखा जिसमें तुम लोग रहते थे, क्या हुआ था? डॉक्टर बीमारी पकड़ ही नहीं पाए। साहब कर तुमने अभी तक नहीं बताया तुम यूं अचानक कैसे चली आई। समझ लो यूं ही। यूं ही घूमने, स्कूल छोड़कर, अपनी स्टूडेंट्स को छोड़कर? सच कहूं तो स्कूल के काम से ही आई। शक्कर दो। पर तुम्हारे स्कूल का यहाँ क्या है? नहीं नहीं, यहीं के स्कूल। मैंने एक नौकरी के लिए एप्लीकेशन किया था। हेडमिस्ट्रेस की। कल इंटरव्यू है, होते ही चली जाऊंगी। अच्छा, शाम को ट्रेन है ना? शाम को नहीं, रात में। सुबह भी एक है। पर किस स्कूल में? यहाँ तो 2 हैं, एक 10+2 है। वही वही। यू मीन बीएम मेमोरियल गर्ल्स स्कूल? तो मैं उसके सेक्रेटरी को जानता हूँ, मिस्टर शाह। चाहो तो उनसे बात कर लो। नहीं नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसे ही क्या होगा बात करके, और फिर बोलोगे भी क्यों? तुम नहीं चाहती तो ठीक है। अच्छा, मान लो मैं कहती कि हाँ बात कर लो, तो क्या करते? कहते तो। क्या कहते? कहता सच बात कहते, कह सकते? नहीं सकते ना। कहता कि मैं कैंडिडेट को जानता हूँ। जानता हूँ नहीं, जानता था 10 बरस पहले। भाई आपने परिवार को लेकर अलग हो गए। छोटी बहन बीए पढ़ रही थी, माँ बीमार बिस्तर पर, सारा सब कुछ मुझे पर था। उस वक्त ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ निकला है मेरे लिए। बोलो शीला, तुम जानती हो मैं जानती हूँ, कोई दोष नहीं देती, और दूं भी क्यों? फिर ऐसा भी तो नहीं है कि मैं रीना को नहीं जानती थी। मेरी क्लास में ही तो पढ़ती थी, मेरे साथ बहुत अच्छी लड़की थी। रीना हमेशा तुम्हारे बारे में बात किया करती थी, चिंता किया करती थी। हो सकता है तो शादी के बाद एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। शायद संकोच के कारण। शायद, पर संकोच करने लायक कोई काम तो उसने नहीं किया था। मैं ही शादी नहीं कर सकी अपने ही कारण। मेरा घर परिवार। चलो यस सर। हाँ यस, आई विल बी देयर इन अ मिनट। एक्सक्यूज मी शीला, मुझे एक बार ऑफिस जाना है, अभी आ जाता हूँ।
चेतन जी, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, उनका ख्याल रखना। जी कुछ चाहिए तो चेतन को बता देना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। सर्दी लग रही थी, आपकी वो जो सांस थी वही मैंने जोर कर उड़ाया। शीला, 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 हेलो। तुम कब आए? आ ही रहा हूँ, सॉरी देर हो गई। कुछ काम से था नहीं, इसीलिए इधर उधर इसी के पन्ने पलटती रही, बस नींद आ गई। पर यहाँ बाहर इतनी सर्दी है। हाँ बहुत, देखो कैसे बर्फ सा हो गया। बीमारी लगा कर रहोगी तो बुरा क्या है, कुछ दिन यहीं रह जाऊंगी। बहुत बहादुरी मत दिखाना, आओ अंदर। कै बजे? सिर्फ 9:25। तुमने क्या सोचा? दो पता नहीं रीना बेचारी समय कैसे काटती थी। क्यों? हाँ तब लड़का घर में था ना, मैं तब तंग आ गई। तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? अकेले तुम्हें पसंद है इस तरह? किस तरह? नहीं तुम्हारा तो बहुत काम है। काम? काम काम और काम। और तुम्हारा? देखा नहीं, बस सोना। नहीं शीला, ये दोनों बातें सही नहीं है। ना तो मेरा इस तरह काम करना, ना तुम्हारा सोना। चेतन, चेतन, अब अपने हाल बताओ।
खाली मैं अपनी ही बोले जा रहा हूं। सुनना चाहते हो? हाँ। सचमुच? हम्म। इतने दिनों बाद? मेरी खबर तो सिर्फ औरों की खबर है, भाई बहन। मेरी छोटी बहन को याद है ना रीता? वाह, याद नहीं होगी। अब शादी हो गई, बेंगलोर में है, एक बच्चा भी है, लड़की, बहुत प्यारी सी। अरे हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारे लड़के की कोई फोटो नहीं है? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। ऊपर दिखाऊंगा। तुम्हारी माँ की क्या खबर है? शीला, कोई 6 महीने हुए चली गई। I'm sorry. उसके बाद? उसके बाद क्या? तुम? नहीं, मैंने वो मकान छोड़ दिया। 3 कमरे वाले मकान लेकर क्या करती, एक छोटा सा कमरा ले लिया। पास में और कोई है? एक कोई है, तुम्हारे चेतन जैसी। चेतना? अच्छा है, इसी नाम से पुकारूंगी अब उसे। तुम बुलाओगे तुम्हारे चेतन को और मैं बुलाऊंगी अपनी चेतना को। चलो अब अंदर चलो, यहाँ बड़ी सर्दी है। तुम्हें भी नींद आ रही होगी। लड़की की फोटो नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ, अभी लाया। चेतन, चेतन, मेम साहब कहाँ हैं? वो तो चली गई। सुबह उठते ही बोले कि एक स्कूटर बुला दो, बस स्कूटर पकड़कर सीधे चली गई स्टेशन। कब? अब
यही करीबन आधा घंटा पहले। जाने से पहले चाय तो ले गई ना? सिन्हा स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग। एक बात पूछ रहा था, आज आपके स्कूल में एक इंटरव्यू है क्या हेडमिस्ट्रेस के लिए? नहीं? ओह, कुछ नहीं, यूं ही। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बाय। आज उठते ही एक भारी झूठ का सामना करना पड़ा। बहुत शर्म आती है, इसीलिए चली जा रही हूं। सोचा था रीना अब नहीं है, यहां आकर देखा कि वो है, अब भी है। मैंने पाया कि तुम रीना को कभी भूल नहीं पाओगे।